नमस्कार, सिरास्तान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। चौमू के हरमाड़ा में निर्भया स्क्वाड टीम ने कार्रवाई कर एक मंचले को गिरफ्तार किया, पुलिस के हवाले किया। चौमू में एटीएम के सुरक्षा आराम भरोसे है, अधिकांश एटीएम बूथों पर गार्ड नहीं है, ऐसे में चोरी की घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। चौमू में भी इन दिनों पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। एक पोस्टर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक और चेयरमैन की तस्वीर और नाम गायब होने पर चर्चा का विषय बना। चौमू में हरमाड़ा की 14 नंबर पुलिया पर फुटपाथ पर सो रहे एक युवक को ज्ञात वाहन ने कुचल दिया, पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। चौमू में सावन के अंतिम दिन इंद्रदेव की मेहरबानी दिखी, बारिश के बाद मौसम खुशनुमा। सवाईमाधोपुर में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज किया। इस दौरान मलाना डूंगर वार्ड संख्या 10 से कांग्रेस प्रत्याशी सरफराज अहमद का सैयद फाउंडेशन ने स्वागत किया। खंडार उपखंड क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी है, विधायक अशोक बैरवा ने कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील। खंडार उपखंड क्षेत्र के बहरावंडा खुर्द कस्बे में सब्जी मंडी के अंदर मुख्य रास्ते पर बैठकर सब्जी बेचने वाले परेशानी का सबब बने। खंडार क्षेत्र के ग्राम पंचायत अल्लापुर के बाड़पुर गांव में जंगल से भटककर जंगली सुअर आबादी इलाके में आ पहुंचे। खंडार कस्बे के लोहार बस्ती में ट्रक यूनियन पर लगी पानी की ट्यूबवेल पर नहाने गई एक 5 वर्षीय बालिका रवीना लोहार की मोटर स्टार्टर में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से मौत। खंडार क्षेत्र के बैरावंडा कला के यूथ क्लब के तत्वाधान में 25 अगस्त को अटल सेवा केंद्र पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। बालिका अली में बारिश नहीं होने से उपज रही परेशानियों से निजात पाने के लिए पीड़ितों ने सहस्त्र घट रुद्राभिषेक किया। पाली में नगर पालिका फालना के वार्ड संख्या 12 में हाई मास्क रोड लाइट लगने से वार्डवासियों ने पालिका अध्यक्ष का आभार जताया। पाली पुलिस ने 200 ग्राम अफीम के दूध के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पाली के बाली में नाणा थाने के वेलार गांव में एक महिला और उसके परिवार पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए दर-दर ठोकरे खाने को मजबूर है पीड़ित परिवार। देसरूप खंड क्षेत्र के रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में विधायक गुरमीत कुंदर ने रड़ेवाला गांव में बच्चों को तोहफा दिया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ थर्मल के गांव कानूर में अतिक्रमणकारियों ने 50 साल पुराने रास्ते पर अतिक्रमण किया। श्रीगंगानगर के घरसाना में बीजेपी के महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। श्रीगंगानगर के गसिंहपुर में नागरिकों ने पदमपुर में दीपक खुराना को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि। श्रीगंगानगर के शिवविजय नगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन देर रात समाप्त हुआ। जैसलमेर के लाठी में पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पनौधा राय पुल से मंदिर तक जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हुई। जैसलमेर के नोख में नहर में गिरी गाय को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। फलसुंड थाना पुलिस ने परिसर में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए 50 परिंडे लगाए। जैसलमेर के पोकरण में दुर्गा वाहिनी के महिलाओं और बालिकाओं ने पुलिस थाने में पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारी को रक्षा सूत्र बांधा। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पर्यावरण प्रेमी मोहनलाल ने सभा भवन परिसर में थाना प्रभारी के नेतृत्व में पौधारोपण किया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में रिन्यू पावर कंपनी द्वारा काम के दौरान एक पक्षी की मौत हुई जिससे पर्यावरण प्रेमियों में रोष व्याप्त। जैसलमेर के फतेहगढ़ में सीमा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने सीमा चौकियों पर प्रहरी का दायित्व निभा रहे जवानों के रक्षा सूत्र बांधे। जैसलमेर के फतेहगढ़ में रिन्यू पावर कंपनी द्वारा जगह जगह पाइपलाइन तोड़ने से पानी व्यर्थ बह रहा है। कोटा में बोरदा गांव के पास स्टेट हाईवे सड़क पर एक मारुति कार में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी। कोटा के सांगोद में समाज सेवा मुस्लिम नौजवान कमेटी की तरफ से बाढ़ प्रभावित 50 परिवारों को रक्षाबंधन के मौके पर घरेलू जरूरत के सामान दिए। कोटा में किशनपुरा गांव में सड़क बारिश की वजह से जर्जर होकर टूट गई। कोटा के कुंदरपुर में उजाड़ नदी के पुलिया पर 2 से 3 फीट पानी की चादर चल रही। कोटा के अमृत कुआं में
समदर्शी महिला संस्थान की ओर से महिला जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। खैरथल कस्बे के पुरानी अनाज मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्रांगण के लाला जय नारायण पांची देवी खंडेलवाल स्मृति उद्यान में जन्माष्टमी महोत्सव बड़ी धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाया जाए। अलवर के राजगढ़ में प्रेतवराज महाराज के मंदिर पर श्रावण मास पूर्णिमा पर भंडारे का आयोजन। अलवर में राजगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के शातिर वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर में राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर पर रक्षाबंधन के मौके पर जगन्नाथ महाराज की ओर झांके रूप के रूप में हिंडोले में झूले में झुलाकर वन विहार कराया। अलवर में गोविंदगढ़ सीकरी मार्ग पर बर्फ फैक्ट्री के निकट ऑटो कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हुई। अलवर के गोविंदगढ़ में रक्षाबंधन के पर्व पर वनखंडी महादेव मंदिर पर महिलाओं ने झूला झूला। बूंदी के लाखेड़ी में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी की अलग अलग समस्याओं को लेकर मनोनीत पार्षद सोहन मेड़ा के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की। बूंदी क्षेत्र में संस्कृत नगरी में के नाम से प्रसिद्ध अजंता गांव में स्वयं सेवकों का दल बाबा रामदेवरा पैदल यात्रा पर रवाना। बूंदी के गेंडोली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा के खिलाफ नारेबाजी। बूंदी में देईखेड़ा क्षेत्र के नोताड़ा में ग्रामीण महिलाओं को लोन का लालच देकर 1,000 रुपए लेकर कंपनी के प्रतिनिधि फरार हुए। बूंदी में शमशान के रास्ते पर दबंगों का कब्जा होने से दाह संस्कार में आ रही परेशानी। अजमेर में अराई समेत आसपास के गांव में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अजमेर के गोविंदगढ़ में अवैध रूप से बजरी से भरे डंपर को जब्त करने के मामले में खनन विभाग ने डंपर चालक के खिलाफ 3,05,850 रुपए का जुर्माना लगाया। अजमेर में पिसांगर उपखंड मुख्यालय समेत देहात में 1 अगस्त के बाद 21वें दिन बादलों ने मौन तोड़ते हुए बारिश की सौगात। पिसांगन पुलिस ने थाना क्षेत्र के करनोस में 3 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। अजमेर के विजयनगर में लियो क्लब रॉयल द्वारा रक्षाबंधन पर जरूरतमंद परिवारों को मिठाइयां बांटी। पिछले कई सालों से अटके हुए ब्यावर से गोमती तक बनने वाले 4 लेन मार्ग का काम शुरू हुआ। भीम उपखंड के आसपास सभी गांव में भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन की धूम रही। राजसमंद में अरकिया के उप स्वास्थ्य केंद्र पर 193 लोगों को टीके लगाए। राजसमंद के भीम में विधायक सुदर्शन सिंह रावत की बहन ने रक्षाबंधन के पर्व पर विधायक की कलाई पर राखी बांधी। राजसमंद के रेलमगरा में खंडेलवाल विप्र समाज और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रेलमगरा पुलिस थाना अधिकारी भरत जोगी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बांसवाड़ा जिले के जगमेरू की पहाड़ी पर पर्यटकों को ठहराने के मामले में भोंगड़ा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले में आनंदपुरी थाना क्षेत्र के खोटा गांव में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में जीप विद्युत पोल से टकरा गई। बांसवाड़ा जिले के माही डैम में तलवार लेकर लोगों को डराने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भरतपुर के रूपावास धौलपुर मार्ग पर बाईपास पर कार की टक्कर लगने से बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत। भरतपुर के वैर में रक्षाबंधन त्यौहार पर 5 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। भरतपुर में हलैना थाने के गांव हंतरा में 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। भरतपुर में भूसावर पंचायत समिति के प्रथम चरण में चुनाव के तहत प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। भरतपुर में बयाना थाने के गांव खेडली गड़ासिया में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। नागौर जिले में मंडवा की ग्वालू ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि नरसिंह राम गालवा के सानिध्य में शमशान भूमि और गोचर भूमि पर पौधारोपण किया गया। नागौर जिले के रियामड़े उपखंड समेत आसपास के ग्रामीण अंचल में सावन के अंतिम दिन शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव के नाम। नागौर जिले के रियामड़े उपखंड के ग्राम थावला में रक्षाबंधन के दिन भक्तों ने शिवपाल गौशाला में 1151 किलो की लापसी बनाकर किया। नागौर जिले के रियामड़े ओपन समेत आसपास के गांव में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नागौर जिले के कुचामन सिटी स्थित यूथ क्लासेस एंड डिफेंस अकादमी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। चूरू जिले में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
चुरू में रतनगढ़ रोड स्थित उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में संचालित काली माता संस्कार केंद्र पर बच्चों को रक्षाबंधन का उपहार दिया गया। चुरू में रक्षाबंधन त्यौहार पर राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की बस यात्रा निःशुल्क कर देने के कारण महिलाओं ने रोडवेज बस में निःशुल्क यात्रा की। चुरू में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कन्याओं के डाकघर में खाते खुलवाए। चुरू में नौजवान कमेटी ने कांग्रेस नेता जमील चौहान का राजकीय फारख बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर अभिनंदन। बारा के भटखेड़ी गांव में डीएसपी उमेंद्र सिंह ने कोरोना में मृतक दो भाइयों के घर पहुंचकर राखी बंधवाई। अंता के पास हाईवे पर गाय से बाइक टकराने से बाइक सवार पत्नी और बच्चा घायल। बारा के मांगरोल क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। बारा के सीसवाली में दुर्गा वाहिनी के बालिकाओं ने थाने में पहुंचकर पुलिसकर्मियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। बारा में सड़कों पर आए दिन जाम लगा रहता है, यातायात पुलिस का ध्यान। डूंगरपुर जिले के गोलगांव में निष्कलंक कल्याण धाम में लोक देवता कल्ला जी महाराज की प्रतिमा की स्थापना। डूंगरपुर जिले के चाड़ोली गांव में जगदीश गोपाल महाराज द्वारा निकाली जा रही गौ पर्यावरण और आध्यात्म चेतना पद यात्रा पहुंची। डूंगरपुर जिले में धबोला पुलिस थाने के सीआई दलपत सिंह राठौर का उदयपुर तबादला होने पर बड़ी संख्या में लोगों ने साफा पहनाकर विदाई। डूंगरपुर जिले में पनाली गांव की दो बेटियों ने पुलिस चौकी में जाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। डूंगरपुर शहर से सटे मांडवा गांव के सारणेश्वर महादेव मंदिर में चौबीसा हित मंडल की ओर से श्रावणी उपक्रम किया गया। धौलपुर में सरवतुरा उपखंड के कंचनपुरा गांव के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर। धौलपुर में रेलवे स्टेशन पर बम होने की सूचना पर एक बार की अफरा तफरी मच गई। धौलपुर के सैपो थाना क्षेत्र के गढ़ी लज्जा गांव में सवारियों से भरी थ्री व्हीलर टेम्पो पलट गया। धौलपुर में कौलारी थाना क्षेत्र के गांव चैंची कापुरा में एक पशु बाड़े में एक जरख ने हमला कर दिया। धौलपुर में सरमथुरा उपखंड के आंगई गांव में चोरों ने शराब के ठेके में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के धुमकापुरा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। जोधपुर के तिवरी में अच्छी बारिश होने से देव सरोवर तालाब में पानी की अच्छी आवक हुई। जोधपुर के मथानिया में रक्षाबंधन पर्व श्रद्धा सुमन के साथ मनाया। जोधपुर के तिवरी में जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 28 से भाजपा प्रत्याशी ज्योति जानी ने डोर टू डोर प्रचार किया। जोधपुर में बिलाड़ा पंचायती राज चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 17 से कांग्रेसी उम्मीदवार धनवंतरी देवी के समर्थन में डॉक्टर राजूराम चौधरी समेत जनप्रतिनिधियों ने दर्जनों गांवों में बैठक की। बिलाड़ा के राजूलाल तालाब पर गंदगी का समाचार दिखाए जाने पर पालिका ब्रांड एम्बेसडर रतनलाल सरगरा ने सफाई अभियान चलाया। जोधपुर के बिलाड़ा के वार्ड संख्या 12 में कांग्रेसी प्रत्याशी बाबूलाल विष्णु के कार्यालय का उद्घाटन। जोधपुर में बालेसर की ग्राम पंचायत धानरणिया में वीर शहीद सुबेदार गंगाराम चौधरी के का 28वां शहादत दिवस मनाया गया। मिलाड़ा के बिजवाड़िया गांव में खेत में कीटनाशक दवा छिड़काव करते समय किसान की मौत हो गई। चलिए तो यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। जोधपुर के फलोदी स्थित प्राचीन तालाब शिवसर के घाट पर श्रावणी पूर्णिमा के मौके पर प्रधान आचार्य सुरेश बोहरा के सानिध्य में जनेऊ पूजन किया गया। जोधपुर में बिलाड़ा के कापरड़ा गांव में खेत में लगे मोबाइल टावर से बैटरियां और अन्य सामान चोरी हो गया। प्रतापगढ़ के पीपलखूट उपखंड मुख्यालय पर भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रतापगढ़ में दरियावद उपखंड के मुंगाना आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सन्मतवी सभाकार में राखी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाने में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों ने थाने पर जाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर महिला कांस्टेबल मुकेश ने रक्षाबंधन पर शहर में तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों को उनकी ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर राखी बांधी। छोटी सादड़ी में प्यार और समर्पण वाला त्यौहार रक्षाबंधन मनाया। चित्रगढ़ के कपासर में पेड़ों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। बेगूनगर समेत क्षेत्र भर में रक्षाबंधन के त्यौहार हर्षोल्लास के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने पौधारोपण कर मनाया। बेगू में जैन साध्वी ऐश्वर्य प्रभा ने रक्षाबंधन के त्यौहार पर रक्षा सूत्र को स्नेह का बंधन बताया। बेगूनगर समेत क्षेत्र भर में रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के भलरोकावाड़ा गांव के पास आवारा श्वानों ने चिंकारों को घायल किया। बाड़मेर की लूनी नदी में आ रहे रासायनिक प्रदूषित जल को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैज्ञानिक सिवाना पहुंचे। गुड़ामला ने विधानसभा क्षेत्र में सरणथरी के पूर्व सरपंच हेमंताराम सेन ने कामधेनु गौशाला में गायों को फल और सब्जी दी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सिवाना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। झुंझुनू के बगड़ में पीने के पानी की समस्या और अधिकारियों की जवाबदेही के खिलाफ भाजपा का साथ देने के लिए कांग्रेस भी आंदोलन कर रही। झुंझुनू के कोलासिया में गांव बाय की सरपंच तारा देवी ने नरेगा श्रमिकों के कार्य और समस्याओं की समीक्षा। झुंझुनू के गांव टोडरवास में बाबा हरिराम के मंदिर प्रांगण में सरपंच मुकेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक। झुंझुनू के हासलसर में सरपंच रामनिवास शर्मा ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 8 पौधे लगाए। झुंझुनू के भीबासर गांव में स्वर्गीय संदीप डांगी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई। कुरपति क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का युवा कांग्रेस से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जोबेर थाना पुलिस ने जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 2 लोगों को गिरफ्तार। रेनवाल कस्बे में मानवीय सेवा के उद्देश्य को लेकर कुमाऊं समाज सेवा समिति ने एक नई सौगात दी। जमुआ रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में दुकानदारों द्वारा दुकान के आगे कड़क तक सजाने और ग्राहकों द्वारा अपने वाहनों को खड़े करने के कारण जाम की स्थिति बनी। जयपुर के रेनवाल में नगर पालिका परिसर में पौधा वितरण कार्यक्रम हुआ। चाकसू कस्बे में फाकी मोड़ पर महिला को रोडवेज बस ने टक्कर मार। बगरू कस्बे से गुजर रहे जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर टूटी पड़ी लोहे की रेलिंग और फेरो कवर हादसों को निमंत्रण दे रहे। बस्ती उपखंड क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन मनाया गया। बीकानेर के कोलायत में रक्षाबंधन के त्यौहार को भाई बहनों ने धूमधाम से मनाया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में बादल जमकर बरसे। बीकानेर के गोसाईसर में श्री गोसाई जी बाबा गौ सेवा समिति के तत्वाधान में गौशाला में 7 दिवसीय गोकथा का आयोजन। बीकानेर में नापासर के मध्य चलने वाली राजस्थान रोडवेज में रक्षाबंधन के दिन महिलाएं और बालिकाओं ने निःशुल्क यात्रा की। बीकानेर के नोखा में शहीद जगदीश विश्नोई की प्रतिमा पर बहन सुमित्रा ने राखी बांधी। दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र में बारिश होने से किसानों की को खरीफ की फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद। दौसा के सिकंदरा में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को ग्रामीणों ने केलों से तौलकर समर्थन दिया। दौसा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर गांव में चौपाल सजने लगी। दौसा में बांदीकुई विधायक जीआर खटाना ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। दौसा जिले में राज्यसभा सदस्य राम कुमार वर्मा और राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सैनी ने गांव गांव जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील। सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्म कुमारी द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। सिरोही जिले के पातुम्बरी में चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर विधायक समाराम ने सभा को संबोधित किया।
सिरोही जिले में पिंडवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र प्रजापत का बीजेपी ने पंचायत समिति पिंडवाड़ा का संयोजक नियुक्त किया। छोटा भीम कस्बे में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चलिए तो 150 गांव 150 खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी।